दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे छात्र छात्राओं का अक्सर कमेंट आ रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक पास जो स्कॉलरशिप चलाई जाती है उसको लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र छात्राओं का कहना है कि सर हम लोग का जो आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो गई। क्योंकि इंटर का जो आपने देखा होगा आवेदन प्रक्रिया, रिजल्ट आने के 10 दिनों के अंदर में ही उन लोगों का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका था। इसको लेकर भी छात्र छात्रा के मन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ भी काफ़ी समय हो चुका है लेकिन उन लोगों का अभी तक आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। एक्चुअल क्या रीज़न है हम आपको अब बताएंगे कि क्यों नहीं आप लोगों का आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप लोगों का आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी और पूरी कन्फ्यूजन आपका दूर हो पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। फिलहाल समझते हैं कि ये जो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए जो आप लोग का आवेदन होना था उसमें देरी क्यों हो रही है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी हम मेघासॉफ्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पे है। देखिए आप लोग का आवेदन प्रक्रिया इसी वेबसाइट से आवेदन होगी। यहाँ पर देखिए आपका 10th वालों का यहाँ पर आपको लिंक दिया गया कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो कि इंटर वाले के लिए, और साथ ही साथ इंटर में ही एक मेघावृत्ति योजना चला जाती है जिसके लिए भी यहां पर आपको डेट दी गई है। अब मेन जो रीजन है आप लोग का आवेदन नहीं होने का, यहां पर देखिए यहां पर आप देखेंगे मैट्रिक में जो कैंडिडेट 2022 में 21 में और 20 में और 19 में पास किए हैं इन सब का आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है जो कि 31 मई 2023 इसका डेट रखा गया है। वही आप यहां पर देखेंगे इंटर वाले में भी आपको बताया गया है कि जिन कैंडिडेट ने 23 में 22 में 21 में 20 में 19 में पास किया उसके लिए आवेदन स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही साथ मेघासॉफ्ट के माध्यम से जो मेघावृत्ति योजना होती है जिसके लिए भी यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन प्रक्रिया जो है 4 सालों का स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी आप इस पोर्टल पर आप देख पा रहे होंगे कि विगत 4-5 सालों का 3-3 अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसको लेकर देखिए होता यह है कि कोई भी वेबसाइट जब भी होता है तो उस पर एक लिमिटेड लोड ही दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए पहले से ही ऑलरेडी सबके लिए आवेदन स्टार्ट है, सबका अंतिम तिथि निर्धारित है, यहाँ पर 4-5 साल पहले जो बच्चे ने पास आउट किए हैं लेकिन आवेदन नहीं कर पाए उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। 31 मई इसका अंतिम तिथि है, ये तिथि जैसे ही खत्म होगा फिर आपको मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। मतलब कि आप लोग साफ समझिए कि आपका आवेदन प्रक्रिया जो होगी जून महीने में स्टार्ट होगी। अगर अभी आवेदन प्रक्रिया अगर मैट्रिक का स्टार्ट कर दिया जाता है तो वेबसाइट का काफ़ी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक पास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि मैट्रिक में लड़का लड़की दोनों को मिलता है। अगर सभी लोग आवेदन करेंगे तो वेबसाइट क्रैश होने की संभावना है, जिस कारण से अभी पुराने जो बच्चे हैं जिनका आवेदन प्रक्रिया बंद होने के बाद आप लोगों का मौका मिलेगा। समझ लीजिए कि आवेदन में जो आप भाग लेंगे कौन कौन कैंडिडेट ले सकते हैं। देखिए अगर आप जनरल ओबीसी उसके अलावा भी एससी एसटी से आते हैं, प्रथम श्रेणी से पास किए, लड़का है लड़की है दोनों को मिलेगा। सेकंड श्रेणी में सिर्फ लड़का और लड़की को उन्हीं को मिलेगा, लड़की को तो सबको मिलेगा लेकिन लड़का में सिर्फ एससी एसटी वाले जो छात्र होंगे उन कैंडिडेट को ही यहां पर 8,000 रुपया आपको दिए जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा उसकी भी जानकारी समझ लीजिए। आपका आधार कार्ड और आपका मार्कशीट, दोनों में नाम डेट ऑफ बर्थ सेम होगा तभी आप आवेदन करेंगे। आपके नाम से अकाउंट होने चाहिए, अकाउंट डीबीटी से लिंक होना जरूरी है, उसमें आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए ताकि आपका जो पैसा है डीबीटी के माध्यम से जाता है तो आसानी से आपको पैसा मिल पाएगी। तो हमने आपको पूरी जानकारी बताया कि क्या दिक्कत क्या है, आवेदन नहीं होने का रीजन क्या था, साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे वो कंप्लीट प्रोसेस बताया, साथ ही साथ किनको ये राशि मिलेगी उसकी भी जानकारी दिया। जैसे ही इसका आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसकी सभी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आप तक अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।